दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों मौसम बदल रहा है। कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं गर्मी पड़ रही है। बात करें पहाड़ों की तो वहां पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में दिल्ली NCR में आज बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम लगातार बदल रहा है। आज सुबह की शुरुआत शुष्क मौसम के साथ हुई। राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस हो गया और बुधवार तक इसके 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में मौसम का रुख नरम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन तक मौसम में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। एक ट्रफ रेखा बिहार से निचले स्तरों पर झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक जा रही है। इससे इन स्थानों पर बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। दिल्ली NCR में 30 से 31 मार्च को बादल छाएंगे और कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के बीच रहेगा। तो वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की आशंका जताई जा रही है। इस हफ्ते राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में रविवार को तेज धूप भी देखने को मिली और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी यानी स्काईमेट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में अभी भी बारिश समेत बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। बारिश समेत हल्की बर्फबारी का दौर अगले कुछ दिन तक लगातार बने रहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कुछ दिनों तक गर्मी के बाद दिल्ली NCR में 31 मार्च से बारिश फिर से आने की संभावना पूरी पूरी है और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। तो वहीं एक ट्रफ रेखा बिहार से निचले स्तरों पर झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक होते हुए दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक जा रही है। इसमें इन स्थानों पर बारिश के साथ ओले पड़ने की उम्मीद जताई है और जब ऐसा मौसम बदलता है तो ऐसे में ज़रूरत है लोगों को खास ख्याल रखने की, उनकी सेहत का ध्यान रखने की, क्योंकि ऐसे मौसम में लोगों के साथ बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसीलिए मौसम का ध्यान रखते हुए अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।